हेलो गाइस, आई एम सोमोजीत। आप लोग देख रहे हैं मेरे चैनल ऑल अबाउट टेक। तो कलरओएस 6 एंड्रॉइड 9.0 का बेटा वर्जन आने के बाद से मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करे कि भाई तूने रियलमी थीम स्टोर के बारे में कुछ नहीं बताया। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, एक छोटा सा रिव्यू दूंगा रियलमी थीम स्टोर के अंदर क्या कुछ है। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई मैं इस रियलमी थीम स्टोर को एकदम से रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि रियलमी थीम स्टोर मुझे एकदम से पसंद नहीं है, क्योंकि इसका जो थीम्स है इतना बढ़िया नहीं है। पर इस जो एप्लीकेशन है थीम स्टोर, इस एप्लीकेशन का एक खासियत यह है कि इस एप्लीकेशन में काफ़ी अच्छे वॉलपेपर्स आपको देखने को मिलता है। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं रियलमी थीम स्टोर एप्लीकेशन के अंदर आपको क्या कुछ मिलते हैं, कैसे उसको अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है। और अगर आप जानना चाहते हैं रियलमी थीम स्टोर के बारे में तो वीडियो को आगे देखते रहिए। तो अगर आप कुछ ऐसे वीडियो मेरे चैनल में देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। तो चलिए हम लोग चलते हैं लाइव डेमोंस्ट्रेशन में। तो मैं आ चुका हूँ मेरे Realme 2 के स्क्रीन में और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा थीम स्टोर के बारे में कुछ डिटेल्स। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं होम स्क्रीन में एक ऊपर में मेरे थीम स्टोर दिख रहा है। और एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये जो थीम स्टोर है ये मैंने पहले से ही इंस्टॉल करके रखी थी कलरओएस 5.2 में जब था। मैंने इसके लिए एक वीडियो भी पोस्ट किया है, अगर वो वाला वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस बारे आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये जो थीम स्टोर है, इस थीम स्टोर का लुक एंड फील कैसा है, जो बहुत सब लोग देख लेते हैं। चलो एक बार के लिए तो यहाँ पे थीम स्टोर ओपन करने के साथ रियलमी थीम स्टोर नाम करके यहाँ पे आता है और साथ कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे काफ़ी सारे और थीम्स जो कि आपको मिल जाएगा, यहाँ पे थीम्स काफ़ी अच्छे ही है। मैं इसको इतना अच्छा पसंद नहीं क्यों नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे जो कि नोटिफिकेशन पैनल है, उस नोटिफिकेशन पैनल को ये कुछ चेंज नहीं करता और एकदम से नॉर्मल सा होता है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा ये नहीं करता। पर यहाँ पे काफ़ी सारा ऐसा थीम्स है, जैसे कि ये वाला थीम्स मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा अच्छा आपको लॉक स्क्रीन वॉक स्क्रीन सब दिखाई देता है, काफ़ी अच्छा अच्छा चीज आपको यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पे यूज़र का रिव्यू भी है, आप खुद रिव्यू कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ से आप सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद आप इसको अप्लाई करके यूज़ भी कर सकते हैं। तो ठीक है, ये तो हो गया थीम की बात। तो यहाँ पे काफ़ी सारे थीम्स आपको मिल जाएंगी, आपको यहाँ पे रैंक के हिसाब से भी थीम्स मिल जाएगी, जितना जिसका रैंक ज़्यादा है, और आपको न्यू थीम्स जो कि ऐड किया गया है वो भी आपको मिल जाएगी। तो ये सब थीम्स यहाँ पे न्यू ऐड किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी सारा न्यू थीम ऐड किया गया है, तो कुछ ऐसे आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा जो ये थीम था, ये थीम डाउनलोड हो चुका है। एक बार के लिए मैं खोल लेता हूँ स्टार्क लॉक, तो इसको एक बार के लिए हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लॉक स्क्रीन होम स्क्रीन आइकॉन के हिसाब से सिलेक्ट किया गया है। एक बार के लिए अप्लाई करके देख लेते हैं कैसे कुछ यहाँ पे ऑप्शन आता है। तो ये रहा आपके सामने जो नया थीम्स मैंने इंस्टॉल किया, और इंस्टॉल करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, काफ़ी सही है। मैं बोल नहीं रहा हूँ कि ये चेंज नहीं हो रहा है, बस यहाँ पे ऊपर में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, बस इसीलिए मैंने बोल रहा था कि ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। और बाकी सब भी चेंजेस है, आइकॉन्स बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो आप इसको ना ही करें तो ही अच्छा है। तो मैं अगेन बैक चलता हूँ यहाँ के जो मेन जो कि मुझे सबसे अच्छा लगता है, इसका वॉलपेपर्स, जो वॉलपेपर्स मैंने अप्लाई करके रखे हैं। तो यहाँ पे वॉलपेपर्स के अंदर जो हॉट वॉलपेपर्स है वो काफ़ी अच्छा वॉलपेपर्स है, और यहाँ पे रैंक के हिसाब से आपको काफ़ी अच्छा वॉलपेपर्स भी दिखाए जाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे कैटेगोरीज है जिसके हिसाब से आप वॉलपेपर ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर टॉप वॉलपेपर्स है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वॉलपेपर्स है वो काफ़ी सही है, जैसे कि आप ये सब वॉलपेपर्स देख सकते हैं, काफ़ी सही वॉलपेपर्स हैं। तो इसीलिए इस एप्लीकेशन को मैं इसलिए यूज़ करता हूँ वॉलपेपर के लिए, क्योंकि मुझे ये सबसे अच्छे लगता है। और जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे मी किया हुआ है, ये मी इसलिए किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो कि आपका जो कि लॉगिन आईडी है, यहाँ पे मैंने जो थीम्स डाउनलोड कर रखा है उस थीम्स को अप्लाई यहाँ पे दिखाएगा। देखिए यहाँ पे डाउनलोड थीम्स यहाँ पे दिया गया है, काफ़ी सारे चीज़ यहाँ पे दिया गया है, तो यही था। उसके बाद मैंने क्या किया, वॉलपेपर्स भी डाउनलोड किया है, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं कुछ फेवरेट्स करके रखता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, डाउनलोड में मैंने क्या क्या कुछ किया है ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बस यहाँ पे और कुछ ज़्यादा सेटिंग्स नहीं है। तो यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर आपको कुछ यहाँ पे मैसेज नोटिफिकेशन यूज़र अलाइनमेंट वर्सन, तो यहाँ पे अपडेट आया कि नहीं आया, ऐसे आप चेक कर सकते हैं। बस यहाँ पे थीम स्टोर में ज़्यादा कुछ नहीं है, पर इस थीम स्टोर का एक ही खासियत यह है कि यहाँ पे आपको काफ़ी बहुत ही अच्छा वॉलपेपर्स मिल जाते हैं। तो अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, बेटा वर्सन, तो आपको ये थीम स्टोर मिल ही गया होगा। अगर आपने नहीं किया डाउनलोड तो इस वाला आई बटन में आपको एक वीडियो मिल जाएगा, और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोडेबल लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो ये वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने जो पूछा था रियलमी थीम स्टोर कैसा है, मैंने दिखा दिया, तो ज़रूर वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके चैनल में लेके आता रहता हूँ। तो गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।